नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिनिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी टायर कंपनी की जो मैं आपको कहना चाहता हूँ इस बात का परिचायक रही है कि कैसे हमेशा एक बहुत डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करके उन सेक्टर को चूज करके जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हूँ उसमें सही समय में धीरे धीरे आप कह सकते हैं एक्यूमुलेट करने में, धीरे धीरे खरीदारी करने में, लॉन्ग टर्म में एक बहुत शानदार पैसा बन सकता है दोस्तों। बस हमें उस सेक्टर को रीड करने की जरूरत है, उस अपॉर्चुनिटी को समझने की जरूरत है। और ऐसे में जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है कि हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आने वाले समय में ये जिस तरह की तेजी दिखा चुका है, आने वाले कहना चाहिए दोस्तों पिछले कुछ समय में इसने जो तेजी दिखाई है ये अपने आप में फिनोमिनल है। और आज भी स्टॉक में 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और इसके ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने कहा था भाई स्टॉक तेजी दिखा रहा है और भी तेजी दिखाने की इसमें ताकत है क्योंकि चीजें काफी तेजी से टर्न अराउंड कर रही है। तो क्या रहा है पूरा मामला, क्यों कह रहा हूं अच्छा है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए अपोलो टायर लिमिटेड, क्या नाम है दोस्तों, अपोलो टायर लिमिटेड। आप देखें 5.5% से ज्यादा की तेजी है दोस्तों, ये कितनी 5.5% से भी आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादा की तेजी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये तेजी सिर्फ आज की नहीं है दोस्तों, आप देखिए पिछले अगर मैं एक साल में देखूं, आप देखिए पिछले एक साल में स्टॉक ने अभी तो दिख रहा है कि 48% ज्यादा की तेजी दिखाई है, लेकिन आपको जो मैं लेवल दिखाता हूं निचले स्तरों से इसने जो प्रकार की तेजी दिखाई, देखिए स्टॉक आप देखिए ऑलमोस्ट 100% तेजी दिखा चुका है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि सही समय पे सही चीजें लेनी चाहिए, अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे ना जब पूरा का पूरा टायर सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था उस समय निवेश करने से, आप देखिए ये अप्रैल 2020 की बात है, वहां से जो प्रकार से स्टॉक ने तेजी दिखाई है 330% से ज्यादा के रिटर्न आपको ये स्टॉक दे चुका है दोस्तों। और आप देखें बहुत ही फिनोमिनल वे में दिया है, इसने समय बिताया गिरा वहां से एक तेजी दिखाया, एक शानदार टाइम पूरा का पूरा यहां समय बिताया यहां से वापस एक तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो आखिर ऐसा हो क्या गया है इतनी ज्यादा बुलिशनेस क्यों, देखिए सबसे पहले समझिए कि ये गिरावट ही क्यों हुई थी, इतनी ज्यादा बियरनेस क्यों थी। देखिए हर एक चीज खत्म थी, क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा ऊपर थे एक समय में दोस्तों, प्लस डिमांड एकदम से खत्म हो चुकी थी दोस्तों, प्लस रॉ मटेरियल इतने ज्यादा महंगे थे कि जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहा था। और बिजनेस के लिए तीनों ही चीजें, खासकर की रबड़ इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो रबड़ है ये कितना ज्यादा, रबड़ यानी के लिए टायर इंडस्ट्री के लिए आप कह सकते हैं जो क्रूड ऑयल है ये इतने ज्यादा महत्व तो इसलिए लगता है कि उसके रॉ मटेरियल में एक बहुत बड़ा हिस्सा वो रखता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं वो समय था स्टॉक में एक्चुअली निवेश करने का। मैं ये नहीं कहता यहां से कोई बहुत तेज ज्यादा, यहां से तेजी बिल्कुल नहीं दोस्तों हो सकती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है ये स्टॉक में, वीडियो बनाने का सबसे बड़ा जो मेरा मकसद ये था कि समझाने की कोशिश करना कि एक स्ट्रगलिंग सेक्टर में अच्छी कंपनीज में अगर आप निवेश करेंगे उस समय तो आप बहुत शानदार पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आने वाले समय में एनालिस्ट का क्या कहना है अपोलो टायर में और खास करके पूरी पूरी टायर इंडस्ट्री में, देखिए आप देखिए ये तो खैर स्टॉप लॉस की बात थी दोस्तों, जहां से अब आप कह सकते हैं स्टॉक में तेजी आ गई, यहाँ पे 290 का स्टॉप लॉस लगा करके 380 की बातें कहीं जा रही है दोस्तों। और देखिए बात करें फंडामेंटल लेवल्स में दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो टायर है उसमें जिस तरह से आप देखिए टायर इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा बुलिशनेस इसलिए है क्योंकि सबसे पहला आप कह सकते हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं प्लस जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, खास करके पैसेंजर के नंबर जिस तरह के आ रहे हैं अपने आप में फिनोमिनल, और
कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है दोस्तों। और आपको पता है उससे क्या होता है, आपको टायर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्लस रिप्लेसमेंट मार्केट जो कि लगभग 45% रेवेन्यू जनरेट करता है दोस्तों, आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वो भी अब काफी हद तक डिमांड दिखा रहा है। और देखिए ये तमाम चीजें मिल करके स्टॉक में तेजी दिखा रही है, लेकिन मैं फिर कह दूं दोस्तों कि अब चीजें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं बहुत हद तक, ठीक है। 290 का आप स्टॉप लॉस लगा के 300 के टारगेट ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक काफी हद तक भाग चुका है। और यहां से तेजी के बजाय मुझे थोड़ी सी अपना नेगेटिविटी देखने को मिलती है, थोड़ा सा बेरिश होने का मन करता है। क्योंकि देखिए जब स्टॉक में तमाम हर जगह खरीदो 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 की बात होने लग जाए ना, तब आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना है, क्योंकि वही समय होता है बाजार में गिरावट का दोस्तों, ठीक है। लेकिन सेक्टर अच्छा है, आने वाले 2-3 क्वार्टर भी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा आपसे, अगर निचले स्तरों से हैं, निचले स्तरों में काफी पार्शियल प्रॉफिट बुक प्लीज करें। पार्शियल प्रॉफिट बुक आपको एक बहुत, आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाजार में अगर जितना जरूरी किसी स्टॉक में अंदर जाना है, तो उससे अगर ज्यादा नहीं तो दोस्तों कम भी नहीं है, उस स्टॉक से कब निकलना है या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये तमाम चीजें पता होनी चाहिए। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।